प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत के विकास को एक नई गति दी है। पूरे भारत को राजमार्गों द्वारा एक तार में पिरोते हुए व्यापार और उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में NHAI सदैव प्रयासरत है। आज के विकासशील युग की सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक कंजेशन, जो आज एक चुनौतीपूर्ण विषय बन चुका है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 3 अहम परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर, पश्चिमी पेरिफेरल कॉरिडोर और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली के वासियों के लिए धौलाकुआं से एयरपोर्ट जाने के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर की परियोजना बनाई जा रही है, जिसमें धौलाकुआं से एयरपोर्ट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। फ्लाईओवर और अंडरपास द्वारा इस रूट से 10 मिनट में हवाई अड्डे पर पहुंचा जा सकेगा। साथ ही पैदल यात्रियों के लिए फुटओवर ब्रिज और एस्केलेटर द्वारा सुरक्षा और सहूलत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। गुड़गांव सोना रोड को डी कंजेस्ट करने के लिए 5 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे द्वारा यात्रा करना सुरक्षित और समयबद्ध हो जाएगा। गुड़गांव शहर के अंदर से होते हुए NH8 3 कंजेस्टेड क्षेत्रों से निकलता है, इफको चौक, राजीव चौक एवं सिग्नेचर टावर। इसी स्थिति के मद्देनजर सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2016 में कंजेशन को दूर करने की परियोजना बनाई, जो 2.5 साल में पूरी होनी थी। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये परियोजना समय से 1 साल पूर्व ही पूरी हो जाएगी। मेहरौली गुड़गांव रोड पर स्थित महाराणा प्रताप चौक पर 4 लेन का फ्लाईओवर और दिल्ली की ओर जाने वाला राजीव चौक पर 2 लेन का दाएं जाने वाला अंडरपास पूरा हो चुका है और हीरो होंडा चौक पर 8 लेन का फ्लाईओवर भी तैयार है। इसके अलावा NHAI ने NCR के दक्षिण पश्चिम भाग को डी कंजेस्ट करने के लिए और भी कई कदम उठाए हैं। 6000 करोड़ के लागत के द्वारका एक्सप्रेसवे की DPR लगभग तैयार है और अगले 3 माह में टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसी वित्तीय वर्ष में इस पर कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा द्वारका रंगपुरी बाईपास के निर्माण और NH8 पर नेल्सन मंडेला मार्ग के विस्तार, 24 किलोमीटर पर एम्बियंस मॉल के निकट और शंकर चौक पर एलिवेटेड यूटर्न और द्वारका एक्सप्रेसवे के द्वारा 8 लेन पूरी तरह से नियंत्रित हाईवे बन जाएगी। माननीय श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में NHAI दिल्ली NCR के डी कंजेशन की ओर निरंतर प्रयासरत है।